रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हमारे संस्कार। समरथ का हूँ नहीं दोस्त गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यह चौपाई बालकांड के दोहा क्रमांक 68 के बाद आती है। माता पार्वती की जन्म कुंडली देखते समय नारद जी उनके पिता हिमाचल को समझाते हुए कहते हैं, शुभ और अशुभ सलिल सब बहें, सुरसर को अपनीत न कहें। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। हमने शिव सती कथा के पिछले दो एपिसोड में देखा कि राजा दक्ष ने जब अपने यज्ञ में भगवान शिव का अनादर किया तो माता सती जी ने पति के अपमान से दुखी होकर उस यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर डाला और अपने दूसरे जन्म में माता पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर जन्म लिया। आइए हम शिव पार्वती विवाह का वर्णन करेंगे। आइए सुनते हैं सुंदर कथा। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जब से उमा जी अर्थात माता पार्वती ने हिमाचल के घर जन्म लिया तब से वहां चारों ओर सिद्धि संपत्ति और खुशहाली छा गई। वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, नदियों में निर्मल पवित्र जल बह रहा है, पशु पक्षी भ्रमर सभी बैर त्याग कर प्रेम से रह रहे हैं। पार्वती जी के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। फिर हिमाचल ने अपनी पुत्री को बुलाकर मुनि से उसके गुण दोष पूछे। नारद मुनि ने हंसकर कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो, ये संतत प्यही प्यारी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इसके माता पिता संसार में यश पावेंगे और सारे जगत में पूज्य होंगी, और स्त्रियां इसका नाम स्मरण कर पति व्रत धारण करेंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षिणी है लेकिन दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी अह कह मिलही परि हस्त असिरे। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन, लापरवाह योगी जटाधारी, निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दोनों पति पत्नी हिम्बान और मैना बहुत ही दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुए। हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिम्बंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, जो विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको संसार में कोई नहीं मेट सकता, फिर भी एक उपाय बताता हूँ, यदि ईश्वर सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। पार्वती को वर्तों ने संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने जो वर के दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। जो विवाह संकर्षण होई,
दो सहु गुण सम कह सब कोई। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो लोग दोषों को भी गुणों के समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बही सुर सरी को अपनीत न कही समरत कहु नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल रहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति जो समर्थ हों उनको कुछ दोष नहीं लगता। हम अपने सामान्य व्यवहार में धनी और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के संदर्भ में इस चौपाई का उदाहरण देते हैं पर गोस्वामी जी के अनुसार ये सभी सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ नहीं है, इसीलिए यह तुलना उचित नहीं है। जय श्री राम। नारद जी कहते हैं, सुनो राजन, यदि तुम्हारी कन्या तप करती है और महादेव जी को प्रसन्न करती है तो उसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई योग्य वर नहीं। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले। इधर हिमराज से पत्नी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। यदि पार्वती के अनुकूल घर वर न मिला तो लड़की चाहे कुआरी रह जाए मैं विवाह नहीं करूंगी। तब हिमान बोले, हे प्रिय, नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं। शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो, वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। पति के वचन सुनकर मैना तुरंत उठकर पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जगत जननी भवानी तो सर्वकिठे, माता के मन की दशा जानकर वे कोमल वाणी बोली, हे माता, मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को देखा। उसने कहा, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य जानकर तप करो, यही तुम्हारे माता पिता की इच्छा है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करें संघारा, तप बल शेषु धरें महिभागा। तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करें जाओ जप अस जिय जानी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। इस प्रकार माता पिता को समझाकर पार्वती जी तप करने चली। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति भगवान शिव को चरणों का स्मरण कर उन्होंने सब भोगों को तज दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन उपवास रखा, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने उनको खाया, फिर सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए, इस कारण उनका नाम अपर्णा हुआ। उनके इस तप को देखकर आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। हे पर्वत राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल होगा, तुझे भगवान शिव ही पति के रूप में मिलेंगे। अब हट छोड़कर घर चली जाना और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तो इस आकाशवाणी को सत्य समझ जाना। आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गए और भगवान वृषकेतु को स्मरण करते हुए अपने घर हिमाचल वापस लौट आए। इससे आगे की कथा हम अब अगले एपिसोड में कहेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।